आज़ादी का 78वां भव्य महोत्सव हरियाणा प्रदेश के धर्मधरा कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भव्य मार्च पास्ट की सलामी मिली। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, साथ ही कहा कि 78 वर्षों में हमने राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक आज़ादी के भी कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर देश बनकर उभरा है। अब विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हम सभी 140 करोड़ भारतीय जुटे हुए हैं। आज हरियाणा विकसित भारत का ग्रोथ इंजन तो बना ही है, साथ ही हरियाणा ने पिछले 10 वर्षों में और भी कई तरह की आज़ादी सुनिश्चित की है। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता को भय, भेदभाव, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, पर्ची खर्ची से आज़ादी दिलवाई है। आज जब हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आज़ादी दिलाई है। भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से आज़ादी दिलाई है। विकास में असमानता करने वाले क्षेत्रवाद से आज़ादी दिलाई है। युवाओं को सरकारी नौकरियां पाने में पर्ची खर्ची से आज़ादी दिलाई है। लोगों को सरकारी सेवाओं, योजनाओं का लाभ पाने के लिए दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से आज़ादी दिलाई है। उद्यमियों व कारोबारियों को लाल फीताशाही से आज़ादी दिलाई है। गांव को लाल डोरा से बंधन से आज़ादी दिलाई है। महिलाओं को रसोई के धुएं से आज़ादी दिलाई है। और आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित महसूस कर